से पलट गया। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मिलनवा मॉर्निंग वॉक भैया। और सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, रेडी हो चुका हूँ। और आज सैटरडे है तो आज मैं सोचा ब्लैक पहन लेता हूँ। शनिवार का दिन है ब्लैक कपड़े पहन के, तो इसलिए मैंने आज ब्लैक पहन लिया। और बहुत टाइम हो गया था वाली शर्ट नहीं पहनी थी, तो आज ये भी पहन ली। और अब ऊपर हुडी वगैरह तो पहनने की नीड होती नहीं है, तो इसलिए मैंने शर्ट और इनर पहना है बस। और मौसम वगैरह गर्म है, धूप पूरी निकली हुई है, प्रॉपर बढ़िया वाली धूप निकली हुई है। और आज चलूँगा फिलहाल, अभी ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकलना है। और वहाँ जाके थोड़ा शेड्यूल बना के ऑफिस वगैरह काम करके दोबारा सर्विस सेंटर जाना है। आज बाइक में एक दो इश्यूज हैं, वो भी ठीक कराने हैं। और वॉशिंग और पॉलिशिंग होनी है, वो सब करवाना है। और एक्चुअली मैं गली में यार एक मकान वकान की कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसकी धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है। अभी से ही बाइक पर बहुत ज़्यादा धूल जम रही थी कल भी। अब मैं सोचा पॉलिश वॉलिश हो जाएगी तो और ज़्यादा जमेगी। अब थोड़े दिन मेहनत रहेगी, हो सकता है इनके मकान बनने में दोबारा वॉश करानी पड़ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट जमेगी। वो बार बार रोज़ कौन साफ करेगा हर मिनटों में, जैसा होगा देखेंगे। वो तो फिलहाल चलता हूँ और ब्रेकफास्ट करते हैं, ऑफिस पहुँच के शेड्यूल बनाते हैं और चलते हैं सर्विस सेंटर में, देखते हूँ किस। तो भाई अब एक सर्विस सेंटर पर जा रहा हूँ और बाइक को देख के देखते हैं आज काम हो पाता है नहीं हो पाता। थोड़ा लेट हो जाऊँ मैं, क्योंकि मेरे को काम का थोड़ा उससे पहले और देखते हैं काम का क्या सीन है। भाई अब बाइक तो ले लिया सर्विस पे से वापस, और सर्विस पे से मतलब वॉशिंग वगैरह से, और हॉर्न का काम भी हो गया। हॉर्न वगैरह मैंने सब चेक कर लिया है, बढ़िया बज रहा है, दोनों हॉर्न चालू हो गए। और नेटवर्क का कोई इशू था, वो लूज़ हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, टच हो रहा था कहीं पे, इस वजह से हॉर्न बज नहीं पा रहा था। एक ही हॉर्न काम नहीं आ पा रहा था, वो भी ठीक हो गया है। और बाइक की चमक का एक बार कपड़ा और मारूंगा, चमक जाएगी। होता है भाई पॉलिश ज़्यादा लगा दी थी, तो पॉलिश तो थोड़ी डल डल हो गई है, अदरवाइज़ बढ़िया लग रही है। अब चमक गई तो अब लग रही है कि हाँ भाई सभी सही है, थोड़ा दिन चमकेगी। बाकी पता नहीं कब तक चमकेगी, जब तक मैं चमका के रखूँ तब तक चमकेगी। भाइयों अभी निकला था ज़रा आप लोगों से बातचीत करने के लिए, और थोड़ा सा एक काम भी था वो भी करना ही है। तो सर्विस वगैरह तो कल हो ही गई थी परसों, अब वॉशिंग आज हो गई। आज पॉलिश वॉलिश सब कर दिया भाई साहब ने, बढ़िया तरीके से चमका के दे दिया भाई। कल एक बार कपड़ा मारना है, बाइक और ज़्यादा चमक जाएगी कपड़ा मारने के बाद। पेट्रोल की लाइट जल रही है, पेट्रोल वेट्रोल डलवाना पड़ेगा। और अभी जो मैंने रोड लिया है आप लोगों से बात करने के लिए, जो रोड पर पेट्रोल पंप नहीं है भाई यार, और खुशी की बात यह है हॉर्न भी ठीक हो गया, बढ़िया बज रहा है। देखो मज़ा आ रहा है हॉर्न बजाने में, हॉर्न भी परफेक्ट हो गया, बिल्कुल बढ़िया ठीक करा लिया हॉर्न भी। ये देखो A6 है, सॉरी। अब यहाँ से सीधा जाऊँगा आप लोगों से बात करके, मंदिर भी जाना है, मंदिर नहीं आऊँ मैं तो। रूट ऐसे डिसाइड किया था मैंने कि रूट का भी रूट बातें भी हो जाएगी, रूट भी कवर हो जाएगा, और सीधा मंदिर जाऊँगा फिर यहाँ से। पहले मैं मंदिर में दर्शन करेंगे भैया, मंदिर में दर्शन करके उसके बाद एक थोड़ा काम वो करते हुए कर पहुँचूँगा। मौसम ठीक हो गया भाई, नॉर्मल मौसम हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब तो इनर से काम चल रहा है। अब कुछ पता 4-5 दिनों में हफ्ते भर में इनर भी हटाना पड़ेगा, ओनली शर्ट में काम चल जाएगा आपको, जिस हिसाब से गर्मी आ गई है उसके अकॉर्डिंग। चलाने तो दो यार, चलाने नहीं दे रहा आज कोई, ट्रैफिक का लग रहा है। और बाइक भी ऐसा लग रहा है पता नहीं, नई बाइक चला रहा हूँ सर्विस होने के बाद में, ऐसा मन कर रहा है आराम से चलाने वाला। एक होता है नई नई बाइक में बंदा हैंडलिंग करता है अच्छी तरह, हाथ जमा लेता है पहले, उसके बाद भगाते हैं। तो मेरे को भी आज ऐसा ऐसा सीन लग रहा है मेरा भाई, बिल्कुल हाथ दिखा रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है, मैं थोड़ा अभी इसको ईजीली आराम से चलाना चाहता हूँ, रफ एंड टफ भी चलाना चाहता है, कि अभी अभी सभी तो क्या ही है, ऑयल वगैरह थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए बाइक को सही कर दे एकदम, उसके बाद दबा हो जाती मर्जी, इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल चलाने का मन कर रहा है। एक मन में चीज़ आ जाती है ना कि भाई सर्विस भी है, उस हिसाब से चला रहा हूँ मैं इसको, तो थोड़ा नॉर्मल लेके। टिप्पर तो है अपने बढ़िया वाली टिप्पर, मेरी लाइट जल रही है क्योंकि पानी चला जाता है इसके अंदर ना, वायरिंग में पानी चला जाता है, थोड़ा दिक्कत होती है। ले भाई तू निकाल ले, निकले कर और मार रहा है। कल्चर वाला बस्ती है, कल्चर लगाएंगे
बहुत बढ़िया, ऐसे ग्रीन मिलती रहे तो मैं निकलता रहूँ। और क्या मजा आ रहा है यार, सोनेटे सोनेट दिख रही है, मुझे वाला मॉडल दिख रहा है सोनेटे का बहुत ज़्यादा, 4 से 5 दिख रही है अभी भी। मैं नहीं क्या कर रहा हूँ भाई, आगे भी ग्रीन है भाई, पीछे वाले जाओ बिना ब्रेक वाले नॉन स्टॉप ये आएंगे पहले बीच में रोड क्रॉस करने वाले। चल भाई क्रेटा मास्टर पीछे राइट लेना भाई मुझे यहाँ पे, रोड ऑलरेडी डिसाइड कर लिया मैंने कि कहाँ रूट लेना है, कैसे निकालना है, कहाँ जाना है, सब कुछ डिसाइडेड है। चलो भाई साहब और कल है संडे, कल एक्चुअली में इवनिंग में गेस्ट आ रहे हैं तो इवनिंग तो वहाँ बिजी हो जाएगी मेरी कल की, इसके अलावा दिन का देखते हैं क्या शेड्यूल रहेगा, दिन में बातचीत करने भी निकलूँगा भाई, क्योंकि इवनिंग में पता नहीं मुझे कब फ्री हूँ, बात कर पाऊँ इवनिंग में ना कर पाऊँ, तो हो सकता है इवनिंग में बाइक का ब्लॉग ना आए, बात तो कर ही लेंगे, बाइक का ब्लॉग शायद ना आए, देखता हूँ फिर भी कोशिश रहेगी, इवनिंग में भी आए और दिन में भी आए। अब रेड हेड मिल गए ऐसी मिल रही थी, ये देखो इसकी दोनों इनोवा की उसकी लाइट देखो सेम ब्रेक और इनोवा की, क्या कर दिया इनोवा का अच्छी वाली थी। आगे कौन सी गाड़ी गाड़ी है, हेडलाइट से गैस करो, वो हेडलाइट ब्रेक लाइट हाँ बिल्कुल सही, ये है क्या किया क्या किया सर्विस किया मारेंगे, एल ई डी लगवा रहे क्या बढ़िया वाली कोई क्या बंदा एल ई डी लगा रहे कुछ हो रहा है ना, हो रही है भाई ग्रीन ग्रीन क्या चक्कर है, बस हो ही गई ग्रीन बोलते हो ही लो राइट गई लो जी, आपने बोला भाई साहब ग्रीन लो हो गई मैं ग्रीन यहाँ से लेना राइट मेरे को, चलो भाई चलो सब पीछे लो, ये देखो ये है आज के स्टार तो ये है सब सबको रोक रहे हैं भाई साहब, ऑडी आ गई है एसयूवी, ऑडी कौन सी है, ऑडी 27 गाड़ी देख लो ब्रेक लाइट करता है बड़ा भाई, क्या चीज़ें कर सकती है, डबल एक्सोस के साथ है बढ़िया वाले टायर छोड़े छोड़े गाड़ी देख रहा है, इन्हें इस वाले रूट से बचा रूट से ठंड लगती थी, आप ठीक लग रहा है आप ठंड वाली बात की है, सब पहले गर्मी आ गई है मेरे आते ऑरेंज हो जाते रेड हो जाते क्या करता है भाई, ऑरेंज पे कौन रोकेगा कितनी देर को हम वेट करेगा, वो ब्रेकर भी है राइडर से निकाल के चलो बिना ब्रेक मारे, तो भाई बाइक प्रॉपर ठीक हो गई है और इसका जो ऑयल सील लीक हो रहा था राइट वाला वो भी ठीक करा दिया, इस चक्कर से ऑयल सील के चक्कर से ब्रेक शू खराब हो गया था क्योंकि ऑयल लग गया था, ऑयल बहुत ज़्यादा भर गया था उसको शू में, तो उसने कहा भाई साहब सही से नहीं चल पाएंगे, मैंने कहा चल भाई रिप्लेस करो जो इसको वाली चीज़ है उसको हटाई दो, तो ब्रेक शू भी चेंज करवाने पड़े मुझे, ब्रेक शू भी चेंज हो गए और ऑयल सील चौकर सील तो चेंज हुई है, ऑयल सील चल गया, इसके अलावा सर्विस भी मिली है मेरी ए एन सी अच्छा है, वो भी ए एन सी नहीं हुई है मुझे भी नहीं करवा दिया, वो तो हम करते हैं सर्विस नहीं आ रहा अभी बाइक में इशू में आया हो जाएगा, बाहर बंदे ना कर देते हैं टेम्परेरी काम कर देते हैं, कंपनी में तो बंदों को पता है कि किस चीज़ में क्या दिक्कत है क्या सही होगा, तो ठीक रहता है थोड़ा इसलिए मेरा मन करता है चलो यार ए एन सी दो और करवाओ, तो ठीक हो गई अब पेट्रोल वेट्रोल डलवाने बट तो ढंग से कोई खाली खाली सा हो रहा है बहुत, वो पेट्रोल ढंग से डलवा दूंगा उसके बाद परफेक्टली ठीक है।
ऊपर में तो अलग ही मजे हैं भाई, ऊपर का तो शायद है अलग लेवल का, नेक्स्ट लेवल का ऊपर है नेक्स्ट लेवल। वो भाई ग्रीन है सीधे लगा के बैठा। अबे यार रोको वेट करो। चलो भाई ये चलते हैं, ग्रीन हो गई है, कॉल भी आ गई है, बहुत टाइमिंग है मतलब टाइम से सब काम होता है बढ़िया। वेट लगाया मैंने कॉल अटेंड करी। चलो भाई यहाँ निकल गया हूँ, कॉल अटेंड कर ली थी, कॉल अर्जेंसी इसके लोगों को पिक करनी पड़ी। आगे लाइट है ग्रीन भाई, रेड मत हो जाइयो, ग्रीन लाइट है। ओ भाई उसको पलट गया, रिक्शा पलट गया भाई, ट्रक अलग अलग दिए रहे। अरे क्या हो गया, घर में कितने हो, रिक्शा पलट गया। तो भाइयों अब पहले जाऊंगा मैं मंदिर, तो मंदिर के लिए यहीं से एंट्री लेनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि यहीं से पास पड़ेगा मंदिर। तो मंदिर में दर्शन करके और एक दो छोटे मोटे काम है वो करके फिर घर पहुँचूँगा, जब पहुँचेंगे उसके बाद देखते हैं डिनर वगैरह का टाइम हो जाएगा, डिनर वगैरह करना है। ये आ गया अपना माता मंदिर, संतोषी माता का मंदिर कहते हैं इसको। अब यहाँ से राइट लेना है, जाम लगवा दिया भाई। चलो भाई राइट ले लेते हैं, अब पहुँचते हैं। चलो भाई अब पहुँचता हूँ मैं और फिर घर पहुँच के आपसे बातचीत करता हूँ। भाइयों आ गए हो घर पे और बाइक वाइक पार्क करूँगा अंदर, अभी मैंने सोचा पहले बातचीत कर लूँ और बाइक अंदर पार्क करूँगा उसके बाद। और अब बस सैटरडे था, मंदिर हो के आ चुका, मंदिर वगैरह हो गया हूँ, जो काम थे वो काम हम करके अब घर आ चुका हूँ। और अब बस रेस्ट करना है, ब्लॉग को एडिट करना है और डिनर करना है, डिनर भी करना है, अभी डिनर नहीं किया, बाइक भी पार्क नहीं करी, बाइक अंदर करनी है, अभी पार्क करूँगा बस। और कल संडे है, कल देखता हूँ, मन तो है लेट उठने का लेकिन हो सकता है जल्दी भी उठ जाऊँ, क्योंकि कल गेस्ट आने हैं तो कुछ काम हो सकता है मॉर्निंग में, तो इस वजह से हो सकता है जल्दी उठ जाऊँ, जैसा होगा देखेंगे। और करता हूँ इस ब्लॉग को एंड, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के नए बातों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपने ध्यान रखना, कल मिलते हैं, बाय।